पहले हम सेमीकंडक्टर इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा, देन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन वगैरह रहेंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को पहले फर्स्ट पार्ट में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात हम करेंगे, तो 1948 डिवाइसेस इन विच द कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। आपको पता है बेसिकली आप तीन टाइप के मटेरियल्स की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स उनको बोला जाता है जिनकी कंडक्टिविटी हाई रहती है, इंसुलेटर्स उनको बोला जाता है जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं एक तरफ से। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी दोनों के बीच में होती है, कंडक्टर और आपके पास इंसुलेटर के बीच में। लेकिन जब से सेमीकंडक्टर का आप डिस्कवर हुआ है उसके बाद से हम सेमीकंडक्टर्स को ही यूज कर रहे हैं। इसको सोचना कि कोई बच्चे कभी सोचते हैं कि कंडक्टर कि कंडक्टिविटी ज्यादा है, उससे कंडक्टिविटी कम होती है सेमीकंडक्टर की, उसके बाद भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, लाइक आप लोगों ने 11 12th में भी शायद स्टडी किया होगा, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हम सिंपल अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट तब फ्लो होने वाला है जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको एक एंड से दूसरे एंड में जाने में ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। जो उन्हें एनर्जी मिलती है वो उसे वेस्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जब कंडक्टर में टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस का पार्ट है वो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब उसके लिए आपने एक थ्योरी डिस्कस की होगी। मैं पहले शुरुआत के स्टेप में कुछ बहुत बेसिक सी बातें आपसे करने वाला हूँ। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, बैंड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें आपने पढ़ा होगा वैलेंस बैंड के बारे में और कंडक्शन बैंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज बैंड एंड हाउ बैंड्स आर फॉर्म्ड। आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप अगर ये डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा आपने बोला, आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें जो बैंड के लेवल रहते हैं वो ओवरलैप्ड रहते हैं। ऑडिबल नहीं हो रहा है क्या? हेलो बच्चों, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं इसमें चैट बॉक्स में, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो मुझे तो ऑडिबल हो रहा है, दूसरे वाले फोन से भी मैंने कनेक्ट किया हुआ चेक करने के लिए, और यस इट्स ऑडिबल। और प्लीज शेयर साइट लिंक अबाउट व्हाट साइट यू आर टॉकिंग। आई एम टेलिंग यू दैट आपको सेकंड पार्ट में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सेकंड पार्ट में मैं सब सॉल्व कराने वाला हूँ, अभी वो मैं सब करके दिखाऊंगा आपको, वेट करिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब हम सेमीकंडक्टर्स, हम जो बात कर रहे थे बैंड्स की, बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, बैंड्स होते क्या चीज है, तो आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स में आपका बैंड्स ओवरलैप्ड रहते हैं, तो आप बोलते हैं इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। और आपने इंसुलेटर में देखा होगा कि बैंड गैप काफी ज्यादा होता है, और आप सेमीकंडक्टर के अंदर बोलते हैं कि बैंड गैप कंपैरेटिवली कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आप एक बैंड से दूसरे बैंड में फ्लो, एक बैंड से दूसरे बैंड में भेज रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना ज्यादा आप एनर्जी इसको देंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक सिंपल न्यूक्लियस आप लोग बनाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ आप ऑर्बिट को डिफाइन कर देते हैं, उस ऑर्बिट के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वहां पे वेरियस तो उसके कनेक्शंस की हम बात करते हैं। तो आपके पास हम जब देखते हैं तो चैट बॉक्स में मैसेज लिख रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है बार बार। तो हम मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन आपका जब जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उसकी कंडक्टिविटी ना इंक्रीज करना, और जितना टेम्परेचर आप ज्यादा देंगे उतनी कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा रहेगी। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि बैंड कैसे बनते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड आपने ऑर्बिट देखा होगा, ऑर्बिट में आपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हुए देखे, तो वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन, जैसे आप सिंपली डिफाइन करते होंगे, आपने
डिफाइन करके देखा ही होगा, इस तरीके से आप एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड आपके इस तरीके के एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूक्लियस उसके चारों तरफ ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी भी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के अंदर क्या होगा, आप बहुत सारे एटम्स को कंप्रेस करके सॉलिड को बना रहे हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये आपस में मिल करके बैंड्स को फॉर्म कर देते हैं, उसी को हम लोग वैलेंस बैंड और हमारा कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। तो हमने सिंपल सा देखा कि कंडक्टर की जब आप बात करते हैं तो उसमें ओवरलैप रहते हैं और इसके अंदर आपकी ओवरलैपिंग कम रहती है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। तो इनिशियली हम लोग जो डिवाइसेस का यूज कर रहे थे, आपके पास बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में भी आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे 1948 के अराउंड ये सारी चीजें आई हुई हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपने पहले डायोड पढ़ा होगा, ट्रायोड देखा है, फिर उसके बाद आपने ट्रेट्रोड देखा था, ट्रेट्रोड के बाद पेंटोड देखा था। इन सब के बाद हमारे पास जब ट्रांजिस्टर्स आना शुरू हुआ, ट्रांजिस्टर्स आपने एनपीएन पीएनपी की बात करी है, तो ट्रांजिस्टर ने इन सारी डिवाइसेस को फिर ओवरकम कर दिया है, वो सारा डिस्कशन हमने यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि किस तरीके से आपके सेमीकंडक्टर्स ने, सेमीकंडक्टर्स की कौन सी प्रॉपर्टी ने कि टेम्परेचर बढ़ने से उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इस प्रॉपर्टी ने आप बोलते हैं कि आपके पास इसकी पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से बनते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने समझाया कि आपके पास कंडक्टर्स कौन रहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कौन से रहते हैं और इंसुलेटर्स कौन रहते हैं, उनके लिए हमें बैंड थ्योरी से भी हम उन्हें डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसको मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस तरीके से देखिए, जैसे आपके पास ये टेबल बना के इन्होंने दी हुई है, अब यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, सेमीकंडक्टर आर अ ग्रुप ऑफ मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। टू, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आर दी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल फाउंड इन ग्रुप फोर्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो जो मैंने अभी डिस्कस किए हुए थे। अभी आपके पास यहाँ पे आप इस तरीके से देखते हैं, जैसे सिलिकन है आपके पास, आप सिलिकन की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए ये सिलिकन है और यहाँ पे जर्मेनियम लिखा है। अब आप जनरली बात करेंगे सिलिकन की बात करते हैं तो सिलिकन क्या होता है आपका 14 होता है। ठीक है, अब 14 की बात कर रहे हैं तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो 284 रहता है, तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, उनको हम लोग कंडक्टर्स की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। 4 वालों को हम लोग सेमी कंडक्टर बोल देते हैं और 5, 6, 7 वालों को हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो देखिए, सिलिकन है, सिलिकन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 284 करेंगे। वैसे ही आप गैलियम जर्मेनियम की बात करेंगे तो उसके भी आपके पास 4 आएंगे। ये आपके पास इस तरीके से रह गया, आप 4 वाले भी रहेंगे। और यहाँ पे फिर आपके पास ये बोरॉन एल्यूमिनियम से किस तरीके से अभी हम लोग बनाने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एक हमारे इंट्रिंसिक होते हैं, एक हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स का मतलब हो गया, जैसे आपने यहाँ पे एक सिंपल सिलिकन ले लिया तो वो एक प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, जिस तरीके से बनाया हुआ। देखिए, न्यूक्लियस दिया हुआ है, पहले वाले सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए, यहाँ 2, 4 और यहाँ 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, इसी तरीके से इसमें भी दिखाया हुआ है। अब आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर्स की हम बात करते हैं, जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनमें अगर हम इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो इम्प्योरिटी को ऐड करने से जो न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह देते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसको हम फिर से 2 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये बेसिक फॉर्मेशन है, इसी से सारी की सारी चीजें आपकी आगे को आने वाली है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, अब प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात जब करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स की आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आपके इक्वल रहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या किया गया है, अब ये सिलिकन के अंदर दिखा रखा है कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। 4 थे, देखिए ये सिलिकन की, अब सेंटर वाले सिलिकन की बात कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4, इसने 4 के साथ यहाँ पे बना रखा है। इसी तरीके से आप आर्सेनिक की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4 आपके पास है। ये गैलियम आर्सेनाइड को अभी हम लोग समझते हैं, सिंपल सिलिकन है। अब जो इम्प्योरिटी मिलानी होती है, देखो बच्चों आपके पास सिलिकन के पास 4 है, आप यहाँ ध्यान देते हैं तो 1, 2, 3 और इधर 4 है, तो आप इसके साथ अगर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसी इम्प्योरिटी जिसकी कंडक्टिव, जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकन के साथ बॉन्ड कर लेंगे,
और पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव की वजह से उसको एन टाइप बोलते हैं। तो जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और अगर आप ट्राइवेलेंट बनाते हैं तो ट्राइवेलेंट बनाने में क्या होगा, आपका 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे और एक जगह खाली रह जाएगी। वो जगह किसके लिए खाली रह रही है? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन खुद कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जिस जगह पे जा करके आने वाला है उस जगह, वो जगह ऑलरेडी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो उसको हम लोग बोल देते हैं होल्स बोल देते हैं, उसको हम लोगों ने बोल देना है होल्स बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि हमारी दो क्लासेस होती हैं। आपके पास जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है गैलियम किस तरीके से यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए अपने प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं इस तरीके से। अब जो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी या फिर आपके बैंड गैप की यहाँ पे बात की जा रही है, बैंड गैप हो रहा है। ठीक है, आप ए जो डायग्राम है उसमें देखिए क्या लिखा है। अब एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है एट टी इक्वल टू 0 केल्विन बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। कितनी इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है 0 केल्विन पे वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कंडीशन में जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ देखेंगे आपके पास सारे के सारे ईवी मीन्स वैलेंस बैंड की बात कर रहा है, यहाँ पे ईसी मीन्स कंडक्शन बैंड की बात कर रहा है। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में है। और जब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को 0 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हैं फॉर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर द फील्ड सर्कल्स। देखिए तो इस वाले डायग्राम में आप क्या देखते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके हायर स्टेट में जंप कर गए हैं, इस स्टेट से हायर स्टेट में आपके जंप कर गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास खाली जगहें रह जाएंगी और ये जो खाली जगहें रह गई है इन्हीं को हम होल कह देते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग सा फैक्टर एक और यहाँ पे देखते हैं कि जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे 4 होल्स आपके क्रिएट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा और इसी तरीके से यहाँ भी देखा 4 होल्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखिए, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एनी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एनएच, एनआई इज इक्वल टू एनएच। तो आपने देखा कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ होल्स हैं वो दोनों का नंबर क्या रहता है, इक्वल। अगर हम बात करते हैं किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर्स में। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी कहानी इसी से हमारी आगे को बनने वाली है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मैंने बोला था इंप्योरिटी मिलाते हैं, उस इंप्योरिटी मिलाने को डोपिंग कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना डोपिंग टेस्ट हुआ है, डोप टेस्ट हुआ है प्लेयर्स का, तो प्लेयर्स के डोपिंग टेस्ट का क्या मीनिंग रहता है कि अगर प्लेयर अपने ब्लड सैंपल में कोई चीज मिला देते हैं, कोई अगर ड्रग्स वो यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग टेस्ट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, अगर आप कोई इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। और डोपिंग करने के बाद हमारे पास दो टाइप के रहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस पूरी बुक में से जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ उन पॉइंट्स को बताने वाला हूँ जो जेनर डायोड की एप्लीकेशन में यूज होने वाले हैं या फिर जो आने वाले टाइम में हर टॉपिक के अंदर आपको हेल्प करेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप देखते हैं, ये देखिए आपके पास सिलिकन है, जैसे आपके पास यहाँ पे एंटीमनी ले लिया हमने, 1, 2, 3, 4 इसने 4 यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे 5th ये रखा हुआ है। तो देखिए सिलिकन के साथ ये ऐसा ही है, चारों तरफ इसके ऐसा ही है और बीच में एस बी है, एंटीमनी है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इधर देखिए बॉन्ड बना रहे हैं और एक आपका ये फ्री रह जा रहा है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने वाला है। ठीक हो गया, फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे एक एनर्जी लेवल बन रहा है एन टाइप के पास, आपके पास एन टाइप पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं। नंबर, अब आराम से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ देखिए, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर होते उतने ही होल नीचे भी होते, लेकिन अभी आपको डायग्राम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा, देखिए आप इसमें देखिए नीचे सिर्फ एक होल दिखाया है लेकिन ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब आप इंप्योरिटी मिलाते हैं तो एक एनर्जी लेवल यहाँ जनरेट हो जाता है कंडक्शन बैंड के नजदीक, ये वाली जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स है। आप थोड़ी सी भी, आप देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और अगर इस लेवल से इस लेवल में जाना है तो वो कम एनर्जी के साथ चला जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यहां चले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा,
आपके पास, हम बोलते हैं ना, होल्स मेजोरिटी में होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं और होल्स आपके माइनॉरिटी में होते हैं। तो वजह क्या है, आपने बोला कि जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग करने से हमने पेंटावेलेंट डोपिंग लगाई, पेंटावेलेंट मतलब 5, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो एक एनर्जी लेवल बन जाता है। वो एनर्जी लेवल बनेगा किसके नजदीक, कंडक्शन बैंड के नजदीक बनेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर जाएंगे आपके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मेजोरिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और होल्स का नंबर यहाँ पे कम होगा माइनॉरिटी में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी, एंड दिस इज वेरी बेसिक थिंग। हुआ कैसे, होल्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, इम्प्योरिटी की वजह से एक्सेस आया, और होल्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो आप थर्मली, क्योंकि देखिए टी ग्रेटर देन 0 केल्विन किया हुआ है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में पी से एन में भी जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो इंक्रीज कर देगा, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ होल्स को भी वो क्रिएट कर देने वाला है, उनका नंबर कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप वैसे सोच लीजिए कि आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 होल्स हैं, तो इसलिए मेजोरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए और माइनॉरिटी में होल्स हो गए। यहीं पे समझाता हूं कि अगर मैं आपको ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाता, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने की वजह से क्या होगा, आपके पास होल्स क्रिएट होते हैं, तो ये जो लेवल आपको ऊपर दिख रहा है वो लेवल यहाँ आके खड़ा हो जाएगा इधर, इधर उस लेवल के आने की वजह से क्या होता है बच्चों, होल्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, थर्मल की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे लेकिन होल्स ये नीचे तो जनरेट होंगे ही होल्स। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो 10 होल तो ये हो गए वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड के साथ जो एक और एनर्जी लेवल आ रहा है उसके पास भी कुछ होल्स रहेंगे, मान लीजिए वो 100 है, तो 110 होल्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसलिए नंबर ऑफ होल्स आपके ज्यादा होते हैं। अभी इसको मैं आपके दूसरे डायग्राम में भी दिखाने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट है। बहुत सारे बच्चों को सब कुछ पढ़ने के बाद डिप्लेशन लेयर जैसी चीज नहीं आती है, तो बहुत फिर वो प्रॉब्लम की बात इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने 12th में पढ़ा है एन टाइप पी टाइप, और फिर हम ये यहाँ से एनर्जी लेवल वगैरह जो आने शुरू होते हैं इनको समझना शुरू नहीं करते, फिर हमें डिफिकल्टीज होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके आप चीजों को सीखिए, तो आपको शायद थोड़ा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये चीजें लगेंगी। अभी देखिए, तो फिर आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ वही है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है उन्होंने, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर वी हैव एन ई इज ग्रेटर देन एन एच, एन ई बहुत ज्यादा होगा एन एच से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होल जो क्रिएट हो रहे, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गए हैं तो 10 होल क्रिएट होंगे, और मान लो 100 इंप्योरिटी से आ गए तो 110 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, और सिर्फ 10 होल है, तो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी में आपके होल है, एन टाइप की बात कर रहा हूँ। अब पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप के अंदर आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देनी है। जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आप मिलाते हैं, देखिए जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ आपको सिलिकॉन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, बोरॉन 5 होता है, 2.3 आउटर मोस्ट में 3 रहेंगे आपके, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। तो 1, 2, 3 तीन तो बॉन्ड बना गए, एक जो ये है खाली रह गया। ये खाली जगह जो है, ये जगह किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसी जगह में जाके बैठेगा, पॉजिटिव। तो ये जो स्पेस है, जो जगह है, ये पॉजिटिव होगी, और इस पॉजिटिव जगह को हम लोग होल बोल देते हैं। तो देखिए, एक बोरॉन एक होल जनरेट कर रहा है, दो बोरॉन होंगे दो करेंगे, 100 होंगे 100, इस तरीके से जितने ज्यादा आपके इंप्योरिटी आपकी एड अप करने वाले हैं, उतने ज्यादा आपको क्या मिलने वाले हैं, इसमें होल्स मिलने वाले हैं। तो अब एनर्जी गैप की मैंने बात की थी आपको, अब यहाँ पे देखिए, अभी डायग्राम दिख रहा है, ये वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, इसमें से उन्होंने एरो बना के ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएंगे, ये तो होल क्रिएट करेंगे, साथ में जो ये एक यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये एक ऐसा लेवल है जिसमें आपके होल्स हैं, तो इसलिए इस डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो हम कहेंगे मेजोरिटी में आपके पास, मेजोरिटी में आपके पास क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, और माइनॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जब अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मैंने फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट की बात करनी है, तो बच्चा सोचता रिवर्स करंट कहाँ से आ रहा है, तो दिमाग में एक बात रखनी है, जब आप एन टाइप की बात कर रहे हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी है, और पी टाइप के साथ आप बोलेंगे होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। होल मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी में है। तो अब इसको इस तरीके से समझ के चलिए, जब आपका मेजोरिटी को फायदा हो रहा होगा तो माइनॉरिटी परेशानी में आ जाएगी, और अगर माइनॉरिटी को फायदा हो रहा होगा तो मेजोरिटी आपकी नुकसान में आ जाएगी। जैसा कि आप जनरल देखते हैं कि अगर, जैसे किसी भी जगह, मैं ऐसा एग्जांपल देना नहीं चाह रहा, लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे माइनॉरिटीज में जहां पे लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर न्यूज में देखते हैं कि बोलते हैं पाकिस्तान में हिंदू जो है माइनॉरिटीज में है, उनको प्रॉब्लम ज्यादा है, तो माइनॉरिटीज को अगर प्रॉब्लम है तो मतलब मेजोरिटी वहां पे अच्छे से होगी,
तो जब मेजॉरिटी करंट फ्लो करता है उस समय माइनॉरिटी करंट वीक होगा, जब फॉरवर्ड बायसिंग आप लगाएंगे, और जब रिवर्स बायसिंग लगाएंगे तो माइनॉरिटी के मजे आ जाएंगे उस केस में, उस समय माइनॉरिटी के मजे आ जाएंगे और मेजॉरिटी करंट फिर मेजॉरिटी वाले फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो दो दो करंट रहेंगी, एक मेजॉरिटी की वजह से और एक माइनॉरिटी की वजह से। अब इस तरीके से देखना है, पी में आपके पास होल्स मेजॉरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, और एन के पास अगर आप देखोगे तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है तो होल्स आपके माइनॉरिटी में है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप ये देखिए डायग्राम आपका दिखाया गया है, आप ये सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे, कंडक्शन थ्रू पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब इनको हम लोग मिला देते हैं तो होल का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पी आपका पॉजिटिव रह रहा है और इलेक्ट्रॉन वो और आपका हो रहा था। तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे ध्यान लीजिए। अब आपके पास इन इंट्रिंसिक स्टेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम और सिलिकॉन इज ड्यू टू ओनली टू दोज फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड दैट हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम थर्मल और लाइट सोर्स टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड और द फ्यू इंप्योरिटीज दैट कुड नॉट बी रिमूव द वैकेंसीज लेफ्ट बिहाइंड इन द कोवेलेंट बैंड स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको पढ़ा आप खुद से सकते हैं। देखिए मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ कोई चीज, एन टाइप को इस डायग्राम को आप आराम से देखिए, क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें, मेजोरिटी कैरियर्स दिख रहे हैं। एन टाइप की बात करेंगे तो जो माइनस माइनस लगे हुए हैं वहां पे उन्होंने मेजोरिटी कैरियर्स बोला है आपको, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए ये गोल सा बना रखा है, इसमें कुछ प्लस माइनस का साइन नहीं है, खाली जगह है तो इसको होल्स बोला हुआ है, तो माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे डोनर आयन की बात हम करते हैं पॉजिटिव, जैसे एनए आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो एनए प्लस बोलते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे डोनर आयन प्लस आपके डोनर आयन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, प्लस आपके डोनर आयन्स हैं। और आप सिमिलरली इस डायग्राम के अंदर आप देखते हैं तो इसमें क्या होगा आपके पास, अब पी टाइप है, पी टाइप में होल्स जो है वो मेजॉरिटी में होंगे और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी में रहेंगे। और इसके साथ यहाँ पे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो निगेटिव बन जाता है, तो यहाँ पे साथ साथ एक्सेप्टर आयन्स होंगे और एक्सेप्टर आयन्स के साथ हमने निगेटिव का साइन बनाया हुआ है। इस ये थोड़े से जो ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव है छोटे बॉल्स बना रखे हमने, और जो ये एक्सेप्टर आयन वाले निगेटिव है बड़े बना रखे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए, दो चीजें हैं, एक है बच्चों इलेक्ट्रॉन जिसको निगेटिव से दिखा रहे हैं ये चीज, एक आपके पास होता है यहाँ पे एक्सेप्टर आयन। मैंने पहले ही बोला था डिप्लेशन रीजन बच्चा नहीं समझ पाता है, वजह उसकी ये है कि वो इसे देखते ही नहीं है कि यहाँ पे प्लस जो है वो डोनर आयन्स हैं, बड़े वाले प्लस बना रखे बड़े से बॉल, और ये आपके एक्सेप्टर आयन्स हैं, यही आपके डिप्लेशन लेयर को भी बनाने वाले हैं देखिए। और उसी डिप्लेशन लेयर के ब्रेक होने की वजह से एवलांच आता है, और एवलांच जब जल्दी आ जाता है तो उसको हम लोग जनर वोल्टेज कह देते हैं। परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल इज गुड बट बिफोर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल यू शुड हैव एग्जैक्ट नॉलेज कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है, वो बहुत आपके पास समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हैं ये सारी चीजें हैं, एनर्जी बैंड्स एंड कैरियर्स, ये जो चीजें मैंने आपको पहले ही डिस्कस की हैं, अभी एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं ये आपका उसको 1s 2s की फॉर्म में लिखना सिखा रखा है, जो मैंने अभी बोला था वो सारी चीजें इसमें लिखी होंगी आप लोगों को, ये पीपीटी ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये आपका बताया गया है किस तरीके से आपके, देखिए जैसे 2n स्टेट आपकी ओवरलैप हो रही है, तो ओवरलैप होने की वजह से आपके, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बैंड्स बनते हैं आपके एनर्जी बैंड्स या कोवेलेंस कोवेलेंट की बात करेंगे या वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, तो वो इनके ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप सिर्फ सुन लीजिए फिलहाल, ये सब डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए डायग्राम देखते हैं, ये बाकी मैंने आपको बेसिक सी चीजें सिखाई थी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात कर रखी है। इसमें देखिए कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, आपके पास पहला वाला डायग्राम मेटल का है, मेटल मीन्स कंडक्टर की बात कर रहा है। दूसरे वाले डायग्राम के अंदर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं कि गैप आपका कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, दिख रहा होगा डायग्राम में। तीसरा सेमीकंडक्टर है तो गैप काफी कम है, कंपैरेटिवली कम है मतलब, तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, वही सारी कहानी यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। हॉल इफेक्ट आपने एक्सपेरिमेंट किया था प्रीवियसली, बीएससी के स्टूडेंट्स ने किया हुआ इसको। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, आप
थोड़ा सा क्वेश्चंस के फॉर्म में अपने आपसे अगर बात करते हैं, पीएन जंक्शन आपके पास पी पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है, तो एक पी और एक एन को अगर आप मिला देते हैं तो उनके बीच में जो जंक्शन बनता है वो आपका पीएन जंक्शन होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए अराइज कर रहा हूँ। पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जब हम पी और एन को मिला रहे हैं, पी पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव मीन्स उसके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब मैं उनको मिक्स करने वाला हूं, जब मैं मिलाने वाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना चाहिए आपका पी की तरफ, और पी वाला पी में जो होल्स हैं उन्होंने मूव करना चाहिए आपका किसकी तरफ, एन की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट फ्लो करना चाहिए। तो मेरा अपने आप से या आपसे क्वेश्चन है कि जब मैं पी एन जंक्शन बनाता हूँ, पी और एन को मिलाता हूँ, तो पी और एन को मिलाने से करंट को फ्लो करना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप एक पी एन जंक्शन डायोड खरीद के लेके आते हैं, तो वो कहीं पर उन्होंने रखा होगा, बॉक्स से निकाल के आपको पी एन जंक्शन डायोड देंगे, तो आप उसको छू रहे तो आपको करंट नहीं लग रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर मैं करता हूँ अपने आप से, तो मैंने मुझे ये पूछना चाहिए कि मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है, मुझे करंट तो लगना चाहिए था, क्यों? क्योंकि पी और एन को अगर मैं मिला रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना चाहिए था, उधर होल ने मूव करना चाहिए था, तो वहां पे करंट क्यों नहीं लग रहा है? अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी का आंसर होता है डिप्लेशन लेयर। हम बोलते हैं कि जब हम पी और एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ और होल्स पी से एन की तरफ को मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। तो वो क्या करते हैं, जब वो जंक्शन जो बनता है उनके बीच में जहां पे वो मिल रहे हैं, उस जंक्शन पे कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से डोनर, एक साइड डोनर आयन रह जाएगा, एक साइड आपका क्या रह जाएगा, एक्सेप्टर आयन। डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन की बात की थी, एक प्लस था और एक माइनस था। तो अगर एक साइड पॉजिटिव आ रहा है और एक साइड नेगेटिव आ रहा है, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये अप्लाइड या जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता है, और इसी को हम लोग डिप्लेशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस चीज को हम समझने के लिए इस तरीके से देखते हैं। देखिए ये तो आपका किस तरीके से अपने इंप्योरिटीज को मिला रखा है, ये देखना है किस तरीके से मतलब इसको फॉर्म करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप डिप्लेशन रीजन की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, इनको मिला रखा है, ठीक है। अब आराम से इस डायग्राम को देखना, तो यहाँ से क्या होगा, पी से कुछ होल एन की तरफ और एन से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाना शुरू करेंगे। अब आपको प्रीवियस वाले डायग्राम में याद रखना है, जब मैंने पी बताया था तो पी में मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, ध्यान से सुनना फिर से। पहली बात, मेजॉरिटी में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख करके भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। पहली बात, मेजॉरिटी में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। तीसरी चीज मैंने बोला था कि वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो डोनर आयन होगा, और डोनर वाला कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास, और उसी तरीके से मैंने आपको इसके साथ भी बताया हुआ था। तो जब क्या होगा, और आपके पास पी के साथ मैंने बताया था, पी के साथ बोला था मेजॉरिटी में होल्स रहेंगे, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और तीसरी चीज ये जैसे क्लोरीन का एग्जांपल दिया था, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो नेगेटिव। तो आप यहाँ पे देखिए, जब ये पी और एन को मिला रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा रहे हैं और होल्स पी से एन की तरफ जा रहे हैं, तो होगा क्या बच्चों, जो ये बीच का सेक्शन है, ये वाला, इस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, और एक साइड सिर्फ प्लस रह जाता है और एक साइड सिर्फ क्या रह जाता है, माइनस। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो ये प्लस से माइनस की तरफ इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि अगर आप पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि जैसे ही ये डिप्लेशन लेयर बनती है, ये डिप्लेशन लेयर फर्दर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देती है। इसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल जनरेट हो गया है जो बैरियर का काम कर रहा है। जैसे आप गाड़ी वाली पुलिस वाले लगाते हैं, देखा होगा बैरियर होता है, वो रोकने का काम करता है। उसी तरीके से जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेटेड वर्ड का मतलब होता है फ्री, डिप्लेशन में डिप्लेटेड वर्ड का मीनिंग होता है फ्री होता है। अब आप सोचोगे कि फ्री का मीनिंग यहाँ पे क्या है, देखिए बच्चों, अ रीजन विच इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही होल है। तो इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ गए, तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन और होल इधर मूव कर रहे थे तो इन्होंने पेयरिंग कर लिया आपस में, तो पेयरिंग करने की वजह से यहाँ से ये गायब हो गए हैं। तो ये ऐसा रीजन है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ही होल्स होंगे,
इसलिए इसको हमने डिप्लेशन रीजन बोल दिया. डिप्लेटेड का मतलब होता है फ्री, फ्री का मीनिंग हो गया अ रीजन विच इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है. फिर यहाँ से आप लोग बात कर, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं. और हम मैं अभी उसमें थोड़ा सा कुछ फिर से छोटा सा रिविजन करा दूंगा 2 मिनट का, जिससे आपका सारा का सारी चीजें वापस आ जाएंगी. फिर फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, जो बच्चा पुराने से ध्यान से सुन रहा है उसको भी 2 मिनट में चीजें समझ में आने वाली है. देखिए फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, ये पी एन का सिंबल है आपका, ये पी ये एन, ये बीच में डिप्लेशन लेयर बन रहा है, ये मेटलिक कॉन्टेक्ट है जहां से आपने बैटरी को कनेक्ट करना है. अब आप ये बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जब आप इस तरीके से लगा देते हैं, देखिए बैटरी को, आपका पी जो है पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से ऐड कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी. अब आप आराम से सुनना थोड़ा सा मेरी बात. यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगाया हुआ है, एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है. एन के पास इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, थोड़ी देर के लिए सुनना, एन के पास इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और आपके पास होल्स जो है वो माइनॉरिटी में है. अब पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचो, देखो यहाँ पॉजिटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स के मजे आ गए, निगेटिव में तो इधर जाएंगे, देखिए. और ये निगेटिव एंड है, यहाँ पे पी पे क्या है आपके पास, पी के पास आपके होल्स हैं, तो ये फ्लो होगा इस तरीके से. अब लेकिन जो यहाँ पे आपके होल्स हैं वो इस रीजन को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो मेजॉरिटी वाले जो एन के पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हैं उनके मजे आ रहे हैं, तो होल्स परेशानी में है. मैंने आपको पहले ही बोला था मेजॉरिटी के मजे आएंगे तो माइनॉरिटी आपके नुकसान में रहेगी. तो यहाँ पे ध्यान से समझना, तो अभी मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी वाले होल मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड करंट फ्लो करने लग जाती है. और जब मेजॉरिटी वाले फ्लो कर रहे हैं तब माइनॉरिटी वाले रेस्ट में रहेंगे, वो फ्लो करने वाले नहीं है. तो आप कहते हैं जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे इन दैट केस करंट फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, आपके इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं यहाँ पे वो आपके क्या करना शुरू कर गए हैं, मोशन करना शुरू कर गए हैं. यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी होगी. व्हेन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द जंक्शन इज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट कैंसिल द पोटेंशियल बैरियर. अब एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है, वो पीएन जंक्शन जो रोकने की कोशिश कर रहा था डिप्लेशन लेयर, उसके भी उससे ज्यादा ताकतवर आपके पास आपने बैटरी लगा दी है, तो बैटरी उस डिप्लेशन लेयर को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी और करंट आपका फ्लो कर जाएगा, ठीक है. फिर इसके बाद अगर आप यहीं पे सेम पढ़ते हैं रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, अगर आप सेम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो रिवर्स बायसिंग में आपके कनेक्शन इस तरीके से होते हैं, पी नेगेटिव और एन इधर पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, अपोजिट कनेक्शंस करने हैं. तो अब बच्चों इस केस में क्या होने वाला है, जरा खुद से सोचो. अब आप बात करते हैं पी की, तो पी के पास क्या है आपके पास, जब पी की बात आप कर रहे हैं तो होल्स हैं, तो होल्स क्या करेंगे, देखिए वो पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ मूव करने शुरू कर देगा. ये एन वाले इधर की तरफ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, पहले हम लोग डिस्कस हमेशा मेजोरिटी को कर रहे होते हैं, तो ये दोनों इस डिप्लेशन लेयर से दूर जा रहे हैं. तो ना तो मेजोरिटी वाले इलेक्ट्रॉन ना ही मेजोरिटी वाले होल्स करंट को आपके करंट के फ्लो होने में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. लेकिन क्या होगा एन के पास, अब आपको मैंने समझाया था एन के पास मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे और माइनॉरिटी में क्या थे, होल्स थे. तो जो माइनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो अब जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा. तो आपके माइनॉरिटी वाले इधर फ्लो करेंगे और माइनॉरिटी वाले एन के पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले होल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे निगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे. तो अब माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो करेगा. अब जो माइनॉरिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, तो उनकी वजह से जो करंट होगा वो बहुत स्मॉल करंट होगा. मेजॉरिटी की वजह से ज्यादा करंट होगा और माइनॉरिटी की वजह से आपका जो करंट होगा वेरी स्मॉल होगा. तो इस तरीके से आपने रिवर्स बायसिंग को देख लिया है क्या करते हैं, ठीक है. अब उसके बाद ये इसका सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग का. एक मैं अभी इसके बाद सीधे फिर मैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे जा रहा हूँ. इसको आप देख लीजिए, पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, आपकी फॉरवर्ड करंट है इधर वाली और ये वाली आपकी रिवर्स करंट की बात हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ आप नेगेटिव वोल्टेज जब इसको देते हैं, रिवर्स वोल्टेज या फिर नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तो नेगेटिव वोल्टेज पे एक सर्टेन वोल्टेज के पास जाकर के क्या होता है, सडनली जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए थे, मैंने बोला था ना कि जब आपके पास डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रही है तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मर्ज कर जाते हैं, तो ये डिप्लेशन जो यहाँ पे ये जो लेयर है ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगी, तो पोटेंशियल आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा
और उसी पे आपकी करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाएगी. तो सडन इंक्रीज इन द करंट इज कॉल्ड एवलांच, इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन. ठीक है. और जेनर के अंदर क्या होता है, जेनर के अंदर हम लोग आराम से बात सुनना, जेनर के अंदर हम इम्प्योरिटी को, जेनर डायोड एक स्पेशली डिजाइन रिवर्स बायस डायोड रहता है, उसके अंदर हम इम्प्योरिटी को ज्यादा रखते हैं, तो हाई इम्प्योरिटी रहती है. तो हाई इम्प्योरिटी रहने की वजह से क्या होता है, आपका जो बॉन्ड्स रहते हैं वो 15 वोल्ट के अराउंड ना टूट करके पहले ही 6 वोल्ट 7 वोल्ट के अराउंड ब्रेक कर जाते हैं. तो जो आपकी जो ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे, सपोज 15 वोल्ट के आसपास आ रहा है, तो वो अराउंड 7 वोल्ट ही आपका ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो जाता है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डोपिंग हमने की है वो हैवी डोपिंग हम लोग करते हैं. यहाँ लाइट डोपिंग रहती है, उसमें हम लोग हैवी डोपिंग करते हैं. हैवी डोपिंग करने की वजह से जो ब्रेक होता है वो अराउंड 7 वोल्ट के आसपास ब्रेक हो जाता है और आपको जनरल ब्रेकडाउन मिल जाता है. फायदा क्या है, वोल्टेज रेगुलेटेड सप्लाई के फॉर्म में हमने उसको यूज करना है. अगर वोल्टेज कहीं पे इंक्रीज कर रही है तो हमको उसको क्या करना है, रोकना है. तो हम उसमें एक रिवर्स वोल्टेज फ्लो करा के रोक सकते हैं. तो एक एवलांच ब्रेकडाउन समझा दिया मैंने, एवलांच ब्रेकडाउन जो -15 वोल्ट के आसपास या उससे ज्यादा पे होगा, और जनरल ब्रेकडाउन क्या रहता है, हाई डोपिंग करने की वजह से वो आपका पहले ही हो जाएगा. हाई डोपिंग की वजह से आपकी पहले, ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई है एवलांच ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन के डिस्कशन में. अब हम बात कर रहे हैं जेनर डायोड की, जिसका हमने प्रैक्टिकल पढ़ना है. तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, फिर प्रैक्टिकल पार्ट, फिर हम वर्चुअल लैब में इसको डेमोंस्ट्रेट करेंगे. इट इज अ स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर सी जेनर. जेनर ने इसको इन्वेंट किया, तो जेनर डायोड नाम है इनका. इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन. एंड रिवर्स बायस क्या है, जब आपका पॉजिटिव पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो वो आपका रिवर्स है. इन द ब्रेकडाउन रीजन एंड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर की, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, मतलब जैसे आप घर में भी देखते हैं स्टेबलाइजर वगैरह का हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट, नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज को यूज करते हैं. द सिंबल ऑफ जेनर डायोड इज शोन इन फिगर, ये वाला है. अगर सिंपल डायोड की बात करते हैं तो ये रहता है आपका, और एक सीधी लाइन रहती है, सिंपल डायोड रहता है. यहाँ पे जेड जैसा बना देते हैं तो ये आपका जेनर डायोड हो जाएगा. द सिंबल ऑफ जेनर डायोड इज शोन इन फिगर. इतना जो जेनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाई हैवीली डोप्ड. अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था कि नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड में जो अंतर की हम बात करते हैं, ये हैवीली डोप्ड रहता है. देखिए बहुत इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हैवीली डोप्ड बोथ पी एंड एन साइड्स ऑफ द जंक्शन. ड्यू टू दिस डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन. अब वो डिप्लेशन लेयर जो है वो बहुत पतली हो जाएगी. सुनना मेरी बात, हैवी डोपिंग है तो हैवी डोपिंग की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत थिन हो जाएगी. अगर वो थिन डिप्लेशन लेयर है तो उसके ब्रेक होने की संभावना बहुत जल्दी होगी, और लो वोल्टेज पे ही वो फिर आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और उसी को हम लोग जेनर वोल्टेज की बात करते हैं. तो बोला ड्यू टू दिस डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन एंड इन इलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इज एक्सट्रीमली हाई इवन फॉर स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ अबाउट 5 वोल्ट. जो मैं 7 वोल्ट के अबाउट बोल रहा था, 5 टू 7 वोल्ट के आसपास ही आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है. द ब्रेकडाउन और जेनर वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपिंग. डोपिंग के ऊपर डिपेंड करता है. If diode is heavily doped, depletion layer will be thin and consequently the breakdown of junction will occur at a lower reverse voltage. ठीक है, एक lower reverse voltage पे. मैंने बोला था जो breakdown आपको 15 volt के आसपास मिल रहा है जेनर के अंदर, वो voltage आपको 5 to 7 volt में मिल जाएगा. क्यों मिल रहा है, उसका आंसर है क्योंकि मैंने उसको heavily doping किया है. और heavily doping करने से क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई रहेगी वो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई आपकी कम होती है. और आपको डिप्लेशन लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको सारी चीजें आगे को समझ में आती रहेंगी. फिर क्या कह रहे हैं, देखिए, ऑन द अदर हैंड अ लाइटली डोप्ड डायोड हैज अ हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हेन एन ऑर्डिनरी क्रिस्टल डायोड इज प्रॉपरली डोप्ड सो दैट इट हैज अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज इट इज कॉल्ड अ जेनर डायोड. एक जो नॉर्मल डायोड है उसमें अगर आप हैवी डोपिंग आप कर देते हैं तो वो जेनर डायोड बन जाता है. अ टिपिकल जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन फिगर 28. द मैक्सिमम रिवर्स करंट आईजेड मैक्सिमम. रिवर्स करंट क्या है, रिवर्स करंट जो आपकी माइनॉरिटीज की वजह से करंट थी वो रिवर्स करंट है. आईजेड विच जेनर डायोड कैन विदड्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायोड डिजाइन गाइडलाइन ऑफ द मिनिमम जेनर करंट वेयर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व वीजेड इस 0.8 ये दिखाया हुआ है आपका. अब इसको देखते हैं. ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बनाया हुआ है. देखिए वही सब चीजें हैं, सेम ग्राफ है. ये फॉरवर्ड करंट है, ये आपका रिवर्स करंट है. लेकिन जो रिवर्स वोल्टेज है
वहां पे अगर ये माइनस इधर कहीं आप अगर इसको लाइन आगे खींचते तो यहां से नीचे आता तो वो नॉर्मल ब्रेकडाउन होता, इसमें ब्रेकडाउन पहले ही हो जा रहा है। वजह अगर कोई मुझसे पूछे कि वजह क्या है भाई क्यों ब्रेकडाउन जल्दी हुआ, तो मेरा सिंपल सा आंसर है मैंने हैवी डोपिंग की है, हैवी डोपिंग करने से डिप्लेशन लेयर की थिकनेस मेरी कम हो गई जिसकी वजह से वो ब्रेक जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ग्राफ बन रहा है उसका, और इस तरीके का आप सिंपल सा इसका सर्किट बना देते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर ऑन स्टेट पावर P इज इक्वल टू, आपके पास पता है P इज इक्वल टू VI होता है, द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द डायोड इज बेटर, द पावर डिसिपेशन ऑफ अ जेनर डायोड इक्वल्स टू द प्रोडक्ट P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू V इनटू I, V आपकी जेनर वोल्टेज है और I आपकी इसकी करंट वोल्टेज है। पावर हैंडलिंग का मतलब होता है जब ये एवलांच की कंडीशन आती है, जब ब्रेकडाउन होता है, तो उस केस में ये बिना डैमेज हुए करंट को फ्लो करने देगा, तो वो उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक एक आइडिया था हमारे पास, एक बेसिक आइडिया हमने अभी बोला था जेनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैंने आपको बोला था कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है या फिर स्टेबलाइज करने के काम आता है, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको स्टेबलाइजर का। अब हमें अभी जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है वो हमें अभी कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्कस करनी है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, एक मिनट का रिविजन, क्या पढ़ाया, P टाइप और N टाइप। N टाइप के पास तो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, माइनॉरिटी में होल्स रहते हैं। इसके बाद उसके पास जब आप बात करते हैं N टाइप की, तो N टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है तो डोनर आयंस रहेंगे प्लस वाले, और P की बात जब करेंगे तो उसके पास आपके पास मेजोरिटी में होल्स रहते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और उसके अलावा उसके पास आपके पास एक्सेप्टर आयंस रहते हैं जिनको हम निगेटिव से दिखाते हैं। फिर हमने डिप्लेशन लेयर की बात की, हमने कहा जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जब जो कॉन्टेक्ट है वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल मिल करके अलग अलग ना होकर के कंबाइन हो जाएंगे, तो उस रीजन में आपको सिर्फ प्लस और माइनस मिलेगा। प्लस और माइनस मींस डोनर आयन और आपके एक्सेप्टर आयन्स मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जिस रीजन को डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, और वहां पे जो करंट फ्लो होगा वो आपका करंट को फ्लो करने से रोक देगा। फिर फॉरवर्ड बायसिंग पड़ी, फॉरवर्ड बायसिंग में पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से करना है, तो मेजोरिटी के मजे आएंगे, उनकी करंट फ्लो करेगी, माइनॉरिटी का करंट फ्लो होने वाला नहीं है। इसके बाद जब हमने रिवर्स पढ़ा तो रिवर्स के अंदर हमने देखा था कि माइनॉरिटी के मजे आने वाले हैं, मेजोरिटी को नहीं होगा, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो माइनॉरिटी की वजह से हो रहा है। फिर जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे एवलांच ब्रेकडाउन होता है, तो एवलांच ब्रेकडाउन की जब हम बात करते हैं वो क्या है, सडनली जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, आप थ्योरी को साथ से पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, सडनली कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से करंट एकदम से बढ़ जाएगा और रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जेनर के बारे में पढ़ा था, हमने कहा कि अगर उसमें हैवीली डोपिंग करेंगे तो जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आपको ब्रेकडाउन रीजन है वो लो वोल्टेज पे मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी हमने कहानी हमने डिस्कस, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है वो है हमारा, इसके बाद सेकंड पोर्शन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें आज का जो हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, उस प्रैक्टिकल को सबसे पहले हम लोग एक जर्नल अभी बात करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल में क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्चुअल लैब में जाकर के उसको डेमोंस्ट्रेट कर लेंगे। To draw the characteristic curve of a Jenner diode and to determine its reverse breakdown voltage, ये हमारा टॉपिक है। जो भी ग्राफ आपको दिख रहा था उस ग्राफ को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, एम है टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ जेनर डायोड एंड टू डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का ग्राफ हमें बनाना है। पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए, फिर हम लोग लैब में जाकर के भी उसको, लैब से मेरा मतलब है वर्चुअल जो हमारा है प्लेटफॉर्म, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटस क्या होता है, एक जेनर डायोड है विथ स्मॉल रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज अबाउट 6 वोल्ट, मतलब जो 6 वोल्ट के आसपास आपको एवलांस दे देगा। अ 10 वोल्ट बैटरी, अ हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट करेंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, 20 to 10 वोल्ट एंड 0 to 100 mA एमीटर, 120 ohm रेजिस्टेंस, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे थ्योरी आपको मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, उतनी देर से मैं इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहा था।
इसमें आपने ये लाइन थोड़ा सा फिर से देख लो, देखो जेनर इट इज जेनर डायोड के बारे में लिख रहे हैं, देखिए इट इज अ सेमीकंडक्टर डायोड इन विच एन एन टाइप एंड पी टाइप सेक्शंस आर हैवीली डोप्ड। तो बच्चों होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है और डिफ्रेंशिएट करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है, ये भी रिवर्स बायसिंग है, लेकिन यहाँ पे हैवीली डोपिंग है, तो सारा काम कौन कर रही है, हैवी डोपिंग। दे हैव मोर परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी एटम, ऑब्वियसली बात हैवी डोपिंग है तो ज्यादा उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रहेंगे। दिस हैवी डोपिंग रिजल्ट इन अ लो वैल्यू ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब जो रिवर्स वोल्टेज आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, वो बहुत पहले ही आ जाएगा। दिस वैल्यू कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, ठीक है, जब उसको बनाते हैं, दिस वैल्यू कैन बी कंट्रोल, मतलब उसको और कम या ज्यादा करना है कर सकते हैं। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जेनर डायोड इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज वी जेड, द रिवर्स करंट दैट रिजल्ट आफ्टर द ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जेनर करंट। तो जो करंट मिल रहा है, रिवर्स वाला करंट मिल रहा है, उसको हम लोग जेनर करंट बोलते हैं, वो जो मैंने अभी ग्राफ में दिखाया था आपको। फिर उसके बाद आपको बोला वी आई इनपुट वोल्टेज, वी ओ आपके आउटपुट वोल्टेज है, आर आई आपका इनपुट रेजिस्टेंस, आर एल लोड रेजिस्टेंस है, आई ए आपका इनपुट करंट है, रिवर्स वाला करंट क्योंकि रिवर्स बायसिंग किया हुआ है आपने, आई जेड आपका जेनर डायोड करंट रहेगा, आई एल आपका लोड करंट रहेगा। लोड करंट जो होता है, इनपुट करंट आपका जो है उस, वो माइनस आपका जेनर करंट है, क्योंकि जेनर आपका रिवर्स करंट रहता है। फिर वी इज इक्वल टू वी आई माइनस आर आई, ये आपने जनरल इक्वेशंस पढ़ी होगी आउटपुट की डायोड्स के अंदर। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं भी परफॉर्म करके दिखाने वाला। सबसे पहले लिखेगा अरेंज ऑपरेटर एज शोन इन दिस सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसमें आपके पास मेक ऑल कनेक्शंस नीट एंड क्लीन, नोट लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर एंड मिलीमीटर, मतलब आपको जीरो रीडिंग में देखना होता है कि वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्रिंग मूविंग कॉन्टेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर नियर निगेटिव एंड, ये तो उसने फिर किस तरीके से आपका कीज को एड करना है वो समझाया हुआ है, उसको समझाने के लिए मैं आपको ज्यादा बेहतर ये समझाऊंगा कि आप इस सर्किट को देखिए, उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए इसकी आप इस सर्किट को आप लोग देखिए और इस सर्किट को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। जब आप इस सर्किट को देख रहे हैं तो आपने क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसी से आपको कनेक्शन बनाने हैं वर्चुअल ऐप के अंदर। देखिए सबसे पहले आपको जेनर डायोड दिख रहा है, इस जेनर डायोड को लेते हुए देखिए लोड रेजिस्टेंसेस लगे हुए दिख रहे हैं इसके साथ, और आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा रखा है, मिलीमीटर लगा रखा है, रिवर्स वोल्टेज जो है बहुत कम वैल्यू रहती है तो मिलीमीटर लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा रखा है, आर आई लिख रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है 20 ओम, ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज के लिए लगा रखा है आपके पास, और यहाँ आपने एक रियोस्टेट लगा रखा है, रियोस्टेट जिसको हम करंट कंट्रोलिंग डिवाइस कह रहे हैं, इसी को हमने पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल दिया। V इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, आई आर होता है, अगर आप आर को वेरी करेंगे तो आपका वी भी वेरी करेगा, यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर है, और एक 10 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। तो देखिए थोड़ा सा पार्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाला है। एक साथ दो दो स्क्रीन तो मैं ऑन कर सकता हूं यहाँ पे। देखिए bring moving contact of the potential divider near the negative end and insert the key के voltmeter and millimeter will give zero reading. शुरू में आपने उसको zero reading पे set कर देना है. Move the contact a little towards positive end to apply some reverse bias voltage. अब positive की तरफ आप जा रहे हैं तो आप reverse voltage दे रहे हैं. Millimeter reading remains zero. Voltmeter gives equal reading. ठीक है. As VI is further increased, ठीक है, II starts flowing. अब आप इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, देन VO becomes less than VI, note the value of VO. फिर क्या लिखा है, go on increasing. देखिए आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को ध्यान से देखिए, go on increasing VI in small steps of 0.5 volt. 0.55 volt के रीजन में आपने इसको बढ़ाते जाना है, फिर आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और ये जो वैल्यूज आएंगी आपकी आई और वीओ की वो आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए एट वन स्टेज वी आई इज इंक्रीज फर्दर एंड आई इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट, ब्रेकडाउन जिसकी हम बात कर रहे थे, एंड वी ओ डज नॉट इंक्रीज। अब आप आउटपुट वोल्टेज को कितना भी बढ़ा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, वहीं पे आपको रिवर्स की कंडीशन मिल गई है, दिस इज रिवर्स ब्रेकडाउन सिचुएशन। वो सिचुएशन है कि अब आप कितना भी उसकी वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं वो इंक्रीज करने वाला नहीं है। एज वी आई इज इंक्रीज फर्दर ओनली आई आई इज नॉट इज फाउंड टू इंक्रीज, वी ओ बिकम्स कॉन्स्टेंट, नोट द वैल्यू ऑफ, इन सब की जो आपके पास वैल्यूज है उनको आप नोट कर लेंगे।
फिर आप क्या करते हैं, देखिए इसको जब आप ड्रॉ करने वाले हैं, ये लीस्ट काउंट वगैरह निकालना है, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो आपने ये बोला कि आप 0.05 वोल्ट के आप गैप में आगे बढ़ाएंगे, तो 0.5 वोल्ट पे आपने करंट मेजर करनी है, ठीक है, फिर 0.5 वोल्ट पे फिर करंट, तो ऐसे धीरे धीरे करंट वोल्टेज में ग्राफ बनेगा, तो ये मिलेगा। सडनली जब आप जनरल वोल्टेज के वहां पर आएगा, तो सडन इंक्रीज में करंट दिखेगा, वहां से फिर आप वहां पे देखते हैं आप, तो करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके का ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जेनर डायोड है, जिसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिकॉशंस वगैरह हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो रिवर्स इस तरीके से आपने करना है। अब बच्चों इसे परफॉर्म करने के लिए, ये जो ये ग्राफ हमको लेके आना है, इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास अगर सिस्टम है, तो सभी लोग कोशिश करें कि अपने सिस्टम से ज्वाइन होने की। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ठीक है, अब आपने क्या करना है देखना है, यहाँ पे आप सबसे पहले आप अपने क्रोम में चले जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एक साइड ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने सपोज ये वाली साइड ओपन कर ली। यहाँ पे एक नई आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ, आपने जैसे यहाँ पे देखा हुआ है, आपने इस तरीके से नई साइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है वी लैब, वी देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वी लैब डॉट अमृता डॉट ई डी यू लिखना है। आप इस तरीके से आप अगर सिस्टम यूज कर रहे हैं, मैं तो धीरे धीरे समझाऊंगा, आप लोग इसको ओपन करिए। क्या लिखना है आपने, वी लैब डॉट अमृता डॉट ई डी यू में आपने चले जाना है, फिर इसको आपने एंटर कर लेना है, या आपकी साइट इस तरीके से खुल जाएगी। तो वैल्यू एट द रेट अमृता, यानी कि आपकी वर्चुअल लैब ओपन हो गई है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ देखेंगे तो नीचे आपको फिजिकल साइंस का सेक्शन दिखाई देगा। फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल रहते हैं वो फिजिकल साइंसेस करके मिलेंगे आपको। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने साइड ओपन कर ले रही है, इस टाइप की आपको साइड दिखेगी। आई होप बहुत सारे बच्चे साथ में भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर चाहें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए कि साथ में ओपन करने की सिस्टम आपके पास है तो। उसके बाद आपने ये नॉट सिक्योर लिखा होगा ऊपर, ये नॉट सिक्योर पे जाना है। अगर आपके पास अभी सिस्टम नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं, हालांकि बाद में हम लोग आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर देंगे। नॉट सिक्योर के पास जाकर के यहाँ आपके पास एक जावा स्क्रिप्ट होगी और एक फ्लैश होगा, इन दोनों को आपको अलाउ करना है। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो नॉट सिक्योर में जाके आपको साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग में जाकर के जावास्क्रिप्ट और फ्लैश दो ऑप्शन दिखेंगे, दोनों को आपने अलाउ करना है। मैंने अपने सिस्टम में इन दोनों को मैंने ऑलरेडी खोला हुआ था, तो मेरे उसमें दोनों ही अलाउ हैं, ठीक है। उस अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक रीलोड का ऑप्शन आता है। सपोज मैं इसको अभी हटा देता हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, तो ब्लॉक करूंगा तो ये चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपके सिस्टम ऐसे दिख रहा होगा, तो अपने नॉट सिक्योर की सेटिंग में जाना है, उसके बाद अपने फ्लैश को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप इसको रीलोड करेंगे, ठीक है। रीलोड करके फिर से ऐसे पेज खुल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिजिकल साइंसेस की साइट पे जाना है। अब आप जो जो प्रैक्टिकल अपने परफॉर्म करना चाहते हैं फिजिकल साइंसेस में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है, हीट का है, तो आपको इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिखने वाले हैं। हार्मोनिक मोशन एंड वेव, वर्चुअल लैब, मॉडर्न फिजिक्स के दिए हुए हैं, लेजर के दिए हुए हैं, तो बहुत सारे आपके पास इसमें एक्सपेरिमेंट आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब मुझे परफॉर्म कराना है, मैं उस प्रैक्टिकल को यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ देखा मुझे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड बनाना है, तो मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जाता हूँ। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट मुझे दिखता है, तो मैंने इसको ओपन कर देना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले को।
इसमें से मुझे प्रैक्टिकल कराना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो मेरे पास इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं खुद से या कॉपी में लिखना चाहते हैं, थोड़ी देर में परफॉर्म करेंगे, तो VLab, आपने vlab.amrita.edu लिखना है, उसको क्लिक करना है, नॉट सिक्योर पे जाकर के वहां से आपने जावा और फ्लैश दोनों को अलाउ करना है, फिर पेज को रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद पेज खुलेगा, फिजिकल साइंसेस के सेक्शन में जाकर के जिस भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है उस एक्सपेरिमेंट को क्लिक करना है, आपको ये पेज खुल के मिल जाएगा। थ्योरी क्या करने वाले हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, टू ड्रॉ द स्टैटिक करंट वोल्टेज IV कैरेक्टरिस्टिक, वी और आई के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। उसके बाद जो थ्योरी उतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इन्होंने भी डिस्कस की हुई है, आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे प्रोसीजर पे, नेक्स्ट में प्रोसीजर लिखा हुआ उसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। प्रोसीजर के अंदर हमको यहाँ पे उसने समझाया हुआ है कि प्रोसीजर के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो उन्होंने बोला दिस इज यूज टू इंसर्ट की ऑन स्विच कनेक्टेड विद बैटरी, द की इज ऑनली एक्टिवेटेड व्हेन द कनेक्शन इज परफेक्ट। ये सारी उन्होंने कहानी लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, उसके हिसाब से आपको कनेक्शन बनाने हैं। और यहाँ पे आपको उन्होंने समझाया हुआ है कि ये फिगर में आपको कनेक्शंस किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। और फिर आपको ये फुल सर्किट डायग्राम उन्होंने यहाँ पे बना के दे रखा है। तो ये फुल सर्किट डायग्राम आपको बनाना है जिसको मैं समझाऊंगा। तो आपने कर क्या रखा है, ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन को आपने इसके साथ जोड़ा हुआ है। देखिए आप, मैं इसको समझाता हूँ पहले क्या क्या चीजें हैं। ये वोल्ट मीटर है आपका, ये भी दो वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये वाले जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टेंस है और ये भी आपका रजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका रिहोस्टेट है, ये आपका एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी की बात करे थे ये है, ये आपके पास की लगा दी हमने। और ये जो सेक्शन रखा हुआ है ये हमारा जेनर डायोड है। फिर से सुन लीजिए, ये वोल्ट मीटर है, ये हमारे दो, ये जो थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट से कलर के दिख रहे हैं, दोनों हमारे एमीटर्स हैं। और हमारे पास जो ये सेक्शन दिया हुआ है ये जेनर डायोड का दिया हुआ है, ठीक है, और ये एमीटर है। और ये जो हमारे कनेक्शन किए हुए बैटरी है और ये की है, जो कनेक्शन किए हुए हैं उन्होंने बिल्कुल इस सर्किट के हिसाब से किए हुए हैं, समझना कैसे। देखिए यहाँ पे देखना आप, ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड को कनेक्ट किया है उसने लोड रेजिस्टेंस के साथ और ये वोल्ट मीटर के साथ। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको वही चीज दिख रही है, देखिए। अच्छा यहाँ पे देखो छोटा सा डायग्राम बनाया भी है उन्होंने, इसी में हम लोग कर सकते हैं, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप ये देखिए वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया है RL लोड के साथ, तो ये लोड के दो एंड के साथ वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, देखिए। तो आपने क्या करना है, वोल्ट मीटर की दो की को लेके लोड से इससे जोड़ना है। ये करेंगे अभी हम परफॉर्म, इसको बनाने वाले हैं, अब सीखो पहले यहाँ पे कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको उसने जोड़ा हुआ है जेनर के साथ। तो देखिए लोड का एक कनेक्शन हमने जेनर के साथ कर दिया है और ये दूसरा वाला जो है उसको भी हमने जेनर के साथ ऐसे ऐड कर दिया है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एमीटर के साथ, देखिए एमीटर लगा हुआ है, मिलीमीटर लगा हुआ है, इसके साथ आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा है छोटा। तो ये तो मिलीमीटर का एक एंड रजिस्टर से कनेक्ट किया है और रजिस्टर का दूसरा एंड आपका रिहोस्टेट से कनेक्टेड है। तो ये रजिस्टर का दूसरा एंड आपका रिहोस्टेट से आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे बैटरी के बारे में देखते हैं, बैटरी के कनेक्शन क्या है। देखो तो बैटरी जो दिख रही है, इस बैटरी के की से होते हुए कनेक्शन एक रिहोस्टेट के साथ है और यहाँ इसके दो एंड यहाँ पे देखेंगे, एक वोल्ट मीटर के साथ, एक रिहोस्टेट के साथ। यहाँ ध्यान दो बैटरी है, इस तरीके से आपने इसके कनेक्शन किए हुए हैं, की के साथ लिया हुआ, देखिए आपका ये वोल्ट मीटर का एक एंड की के साथ लगा हुआ है और दूसरा एंड आपका ये रियोस्टेट के साथ लगा हुआ है। तो उन्होंने ये रियोस्टेट के साथ ये वायर जा रही है आपकी, ठीक है। फिर इस वोल्ट मीटर की बात करते हैं, तो इस वोल्ट मीटर की बात आप करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, इस वोल्ट मीटर को आपने रियोस्टेट से ऐड कर देना। तो देखिए ये आपका रियोस्टेट से यहाँ और आपका ये भी रियोस्टेट से इधर इस तरीके से जोड़ देना है। इस सर्किट को देखते हुए आपने इस सर्किट को फॉर्म करना है, ठीक है। ये आपने जस्ट अभी करना है, अगर कुछ बच्चे इसको कर रहे हैं परफॉर्म तो अभी कुछ मत करो आप लोग, एक काम कर लो, एक फोटो खींच लो इसकी, अभी आप लोग एक फोटो खींच लीजिए, उस फोटो के हिसाब से फिर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सिम्युलेटर के पास जाना है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको जाना है। जब आप इस सिम्युलेटर के पास जाते हैं तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा है, देखिए इंसर्ट की लिखा हुआ है, ये की तब एक्टिवेट होगी, इंसर्ट की में लिखा हुआ है, इंसर्ट की सिर्फ तब ऑन होगी, पीछे प्रोसीजर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि जब आपके कनेक्शंस प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे।
सारे प्रैक्टिकल जो इन्होंने कराए हुए हैं सब में ऐसा नहीं है, कई सारे प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें पहले से आपका बना हुआ है सर्किट, उसमें उन्होंने बना के दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की परफॉर्मेंस करके आपको पहले जोड़ना है। इंसर्ट की मैं इसको टच कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, इनेबल है, सॉरी डिसेबल है। इनेबल करने के लिए मुझे पहले कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए मैंने पीछे क्या देखा था, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ गया और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करते हुए इस वायर को लेके यहाँ जोड़ देना है। बात समझ में आई है? तो आप लोग जो मेरे साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं अभी, वो लोग इस तरीके के कनेक्शंस को बनाएंगे। आपने इसमें यहाँ पे क्लिक किया, अब देख लीजिए आपका, जब ये मैं जैसे लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, इधर साइड वाले सिस्टम को मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसको क्लिक किए रहता हूँ, उसको टच किए, उसको दबाए रहता हूँ और यहाँ ले आता हूँ जिसके साथ मुझे उसका कनेक्शन करना है। तो मुझे क्या करना है, जहां से जिसके बीच में कनेक्शन करना है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, ले जाके क्लिक कर रहा हूँ, उसको दबाए रख रहा हूँ और दूसरी साइड में जा करके उसको ऐड कर दे रहा हूँ, ऐसे करके जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, जिन जिन के बीच में मेरे कनेक्शंस होने हैं। इस तरीके से मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन बच्चों सिर्फ उन्हीं के बीच में होंगे जो आपके जो कनेक्शंस एक्चुअल हैं। ये आपने रजिस्टर के साथ कनेक्शन किया हुआ था, देखिए इसको करना है, राइट क्लिक करके उसको दबाए रखना है, देखिए आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास जो ये वाला था, ये वाला एंड कहाँ जुड़ा हुआ था, आप ऐसे लैब में जाएंगे तो आप इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वर्चुअल लैब का जो आइडिया है वो आपके लिए इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी करके दिखाई, आप खुद भी कर सकते हैं इस तरीके के कनेक्शन, और आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है सर्किट, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसके सर्किट को पूरा जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको बिल्कुल पूरी तरीके से बनाएंगे। जब ये पूरे कनेक्शंस बन जाएंगे उसके बाद ही ये एक्टिवेट होगा, इस चीज का ध्यान लगाना। ये आप अब देखिए, अगर कोई कनेक्शन जैसे मैं देखो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ये नहीं लग रहा है, इसको यहाँ भी टच करा रहा हूँ ना मैं, देखो यहाँ करा रहा हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे टच, देखिए ये होगा ही नहीं टच, एक चीज में करके दिखा रहा हूँ, ये वही टच होगा जहाँ इसकी जगह है, जैसे इसकी जगह अगर यहाँ है तो यही टच होगा। अब इस चीज का भी ध्यान लगा के रखें, अगर आप खुद से टाइम निकाल के बैठ के कर रहे हैं, देखो ये उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है जो सीखना चाहते हैं। अगर आपने सोचा मुझे प्रैक्टिकल करना है, फाइल जमा करनी है और वो करना, तो फिर तो ये भाई अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप ये देखिएगा कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। कनेक्शन सिर्फ वहीं होंगे जहाँ पे उनकी जगह होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या अलाउ आ गया है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट की में मैं अभी भी जा रहा हूँ तो इंसर्ट की मेरे पास नहीं आ रही है, इसका मतलब मेरा अभी कोई ना कोई कनेक्शन बचा हुआ है। तो मैं उस कनेक्शन को ढूंढूंगा और उस कनेक्शन को प्रॉपर अभी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई हमारा कनेक्शन, आप लोग भी करिए तब तक साथ में और कनेक्शंस को लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग फिर अभी इसको आगे करेंगे, साथ साथ में आप लोग भी इसको सॉल्व करते रहेंगे। सभी लोग करिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ सर्च की में क्लिक होने लगे, लेकिन आप थोड़ा सा आप भी बनाओ साथ में पहले। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे शायद कर रहे हैं इस चीज, तो आप अब यहाँ पे देखिए आपके पास इंसर्ट की का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इंसर्ट की हो गया। क्यों हो गया इंसर्ट की, क्योंकि मैंने सारे कनेक्शंस बना दिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला था हमसे सबसे पहले 00 एरर्स को देखना है, तो हमने यहाँ पे देखी कि सारी वैल्यू 00 है। अब ये टाइप्स दिए हुए अलग अलग, आप किसी भी एक टाइप को यूज कर सकते, सपोज मैंने पहला वाला यूज कर लिया। उसके बाद सीरीज रेजिस्टेंस इन ओम में कोई आप वैल्यू लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से वैल्यू लिख देते हैं। फिर आप ये रियोस्टेट को आप इस तरीके से सेट करिए, ठीक है, कोई रियोस्टेट की वैल्यू को यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से लेके आते हैं। 5 5 10 10 के हिसाब से आपको चेंज करने हैं, आप इनको ऐसे एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज आती हैं।
ठीक है, VAS, IAS, ये सारी की सारी वैल्यूज निकल के आएंगी। इन वैल्यूज को आपको नोट करते जाना है, आप यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करते रहिए। जैसे मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, आप इसको चेंज कर करके, जैसे ये देखिए आप, हम इस तरीके से इसको चेंज कर रहे हैं तो वैल्यूज आपकी चेंज होते जा रही है। देखिए रियोस्टेट की अगर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये इसका दूसरा भी उल्टा है, होता है वोल्टेज रेगुलेटेड सप्लाई वाला प्रैक्टिकल भी होता है, वो भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से इसको अलग अलग वैल्यूज पे चेंज कर करके इसको सेट करके यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को आप लेकर के फिर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप कुछ बच्चे अभी जैसे सपोज, फिर इसको आप नोट करते रहिए, नोट करके फिर आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ यही प्रैक्टिकल नहीं है बच्चों, इसमें आपके पास वेरियस प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं।